हमीरपुर जिले में डायरिया के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जिले की 4 पंचायतों में डायरिया के 10 नए मामले सामने आए हैं, जिसे मिलाकर प्रदेश में डायरिया के कुल मरीजों की संख्या 252 हो गई है। प्रशासन की ओर से पानी के सैंपल जांच के लिए डॉक्टर राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेज दिए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के अग्निहोत्री ने कहा कि डायरिया के 10 नए मामले सामने आए हैं, सभी लोगों को जरूरत अनुसार दवाइयां दी जा रही हैं और स्वास्थ्य विभाग की 10 टीमों द्वारा लगातार क्षेत्र में स्क्रीनिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक डायरिया के मामले पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो जाते, तब तक टीमें फील्ड में ही तैनात रहेगी। 252 केस हो चुके हैं और अच्छी बात है कि पिछले कल से 10 केस आए थे और 12 केस हमारे पास एडमिट हैं। कुछ 57 केसेज जो है वो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केस हमारे पास है इस वक्त 95 है, लेकिन हमारी टीम जो है वो लॉकडाउन के विषय लगातार वहाँ सर्वे कर रही है और ये सर्वे तब तक जारी रहेगी तब तक पूरा कंप्लीट इलाका जो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता है। जो लोगों की समस्या थी कि लोगों को यहाँ आना पड़ रहा है मेट्रो हॉस्पिटल में, तो हमने लंबलू में ही इंतजाम कर दिया। उनका जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है और वहाँ पे अपने डॉक्टर जो हैं उनको भी वहाँ तैनात कर दिया है। लंबलू में ही हमने ग्लूकोज और अन्य जो दवाइयाँ होती हैं वो भी वहाँ पे भिजवा दिया हॉस्पिटल में, ताकि लोगों को लंबलू से यहाँ नहीं आना पड़े और वहीं पे उनका ट्रीटमेंट हो रहा है।